हेलो क्लास क्लास ये बायोलॉजी की क्लास है। ठीक है, आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, इज मैटर आवर सराउंडिंग। ठीक, ये क्या है, हमारे चैप्टर का नाम था बायोलॉजी चल रहा है। ठीक है, बायोलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, वो हमने आपको केमिस्ट्री का बता दिया। ओके, ये क्या है चैप्टर फर्स्ट, हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में जब हमने आपको डायग्राम बताया था तो डायग्राम के थ्रू हमने पूरी डिटेल इस चैप्टर की बता दी थी। उस सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, सभी ऑर्गन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको उस एक डायग्राम में कंप्लीट कराई थी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एक न्यूक्लियस की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब नियंत्रण एवं समन्वय ऑर्गन कहा जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गन होते हैं हमारे इसके अंदर सेल के अंदर, तो उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और जिसको जितनी भी ज़रूरत होती है जिस भी चीज़ की, उसको वो प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। उसके बाद हमने आपको और भी गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया। ठीक, न्यूक्लियस के बारे में बताया, सेल पूरा हमने बता दिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियर पोर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करा दी है। ठीक, आज जो हमारा टॉपिक है वो लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स के बारे में होगा। ठीक है, अब लाइसोसोम्स क्या होता है, क्या है लाइसोसोम्स, जो कि सेल के अंदर ही पाया जाने वाला एक ऑर्गन है। ठीक है, इसे हम आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं, सुसाइड बैग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक, यह एक क्या है, झिल्ली के आकार की संरचना है, एक स्फेरिकल शेप इसकी होती है। ठीक है, एक झिल्ली के आकार की संरचना है, ये क्या है अधिकतर, या हम ये कहें कि मेनली जो है एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, ये प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, मतलब जंतु कोशिकाओं में ही पाई जाती है, पादप या पौधों की कोशिकाओं में जो लाइसोसोम्स है उसका अभाव होता है, या हम ये कहें कि एब्सेंट होती है। ठीक, पौधों में ये क्या है, पाया तो जाता है, लेकिन पौधों में यह क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है। ठीक, अगर किसी भी प्लांट में हम कहें कि पाया जाएगा तो कुछ ऐसे कोशिकाएं होती हैं प्लांट में जिसमें ये लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, वरना किसी भी पौधे की सेल्स में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक, ये क्या है, स्तनियों की आरबीसी, जो मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी में इनका अभाव होता है। ठीक है, जो स्तनी होते हैं या मैमल्स जिसे हम कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसकी आरबीसी में इन लाइसोसोम्स का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक, और लेकिन जो श्वेत रजधुरकणिकाएं होती हैं, मतलब जिसे हम WBC के नाम से जानते हैं, उसमें लाइसोसोम्स प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसके आकार तथा आकृति क्या है, अलग अलग विभिन्न प्रकार की इसकी आकृति और आकार होता है, मतलब अगर हम शेप एंड साइज की बात करें तो हर एक सेल्स में अलग अलग उसका शेप होता है, साइज होता है। ठीक है, हमने बताया स्फेरिकल शेप होता है, किसी में सर्कुलर होगा, किसी में क्या होगा, एक बेलनाकार होता है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक में क्या होती है, अलग अलग सेल्स में अलग अलग प्रकार के लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलेज नामक पाचक एंजाइम जो होते हैं, हाइड्रोलेज, ठीक, हाइड्रोलेज नामक एक एंजाइम होता है जिसे क्या करता है, ये पचाने में मदद करता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लाइसोसोम्स है। ठीक, तो लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये आपको हमने क्या बताया है। ठीक, क्योंकि ये क्या करती है, अगर कोई भी कोशिका किसी भी तरीके से व्यर्थ हो जा रही, बेकार हो जा रही, तो उसको क्या करती है, उसी के अंदर अपने अंदर ले लेती है और उसको वहाँ पास वो क्या देती है, फट जाती है। मतलब फट जाती का मतलब क्या होती है, नष्ट हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक, इसीलिए इसको हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शंस, ठीक है, लाइसोसोम्स क्या है, फंक्शन की बात करें तो यह क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों का को अपघटित करने का काम करता है। हमने बताया इसको सुसाइड बैग इसीलिए कहते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ एक सेल के अंदर जितने भी होते हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं, और जैसे ही आते हैं तो ये फट जाती है और जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है वो नष्ट हो जाता है और लाइसोसोम स्वयं भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको खत्म करने का
काम करती है। कोशिका में पहुंचे हुए बाह्य पदार्थों तथा टूटे हुए कोशांगों को पचाकर या कोशिकाओं को साफ करता है। मतलब किसी तरीके से मान लीजिए कोई भी सेल, सेल के अंदर कोई भी ऑर्गन है जिसमें टूट फूट हो गया या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो उसको क्या करती है, उसको पचाती है पूरी तरीके से और उसको क्या करती है, वहाँ से हटाने का काम भी करती है। ठीक है, इसको सफाई कर्मी भी हम कह सकते हैं। ठीक, और क्या करता है, कोशिका में आने वाले बाह्य पदार्थ जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया या मृत एवं पुराने अंग लाइसोसोम्स में चले जाते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें जितने भी बेकार अंग हो गए या पुराने अंग हो गए उनको क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है और वो क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में पीसेस में करके उसको अपने अंदर पचाने का काम करता है। ठीक, कौन करता है, लाइसोसोम्स करता है। ठीक, और क्या है, अगर कोई भी कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम्स फट जाती है और कोशिकाओं को पाचित कर देती है। ठीक, एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं में इसको पचाने का भी काम कर देती है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, लाइसोसोम्स का फंक्शन होता है। मतलब हम बेसिकली अगर एक पॉइंट में कहें तो ये क्या करता है, जितने भी व्यर्थ चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने का और उसको पूरी तरीके से, मतलब जो अगर बेकार चीज़ है तो उसको पूरी तरीके से खत्म करने का काम लाइसोसोम्स करता है। ठीक, इसीलिए इसे हम आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, राइबोसोम्स। ठीक, क्या है राइबोसोम्स, डी डुबे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने राइबोसोम्स को खोजा था। ठीक है, डी डुबे, और राइबोसोम्स क्या है, सेल के अंदर पाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, और हमने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बताया था, सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे, इस तरीके से हमने बताया थे, इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं जिसे हम राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक, तो राइबोसोम्स क्या है, सेल के अंदर पाया जाने वाला एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक, और ये क्या है, इसमें कोई भी झिल्ली या कोई भी कोशिका नहीं होते जो अधिकांश अंतःपरोधी जालीय नलिकाओं से चिपके होते हैं। ठीक, कुछ ऐसे हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने बताया था जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं, चिपके हुए पाए जाते हैं, इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक, तथा कुछ राइबोसोम्स कोशिका द्रव में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, रासायनिक रूप से ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें, केमिकल रूप से हम बात करें तो ये क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और अर्थात आरएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, मतलब राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या है, आरएनए और प्रोटीन का मिश्रण जो होता है वो राइबोसोम्स होता है। ठीक है, राइबोसोम्स से मिलकर ये बने हुए होते हैं। ठीक, ये यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक, ये किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी ये पाए जाते हैं। ठीक, अब क्या है, इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक 70S और एक 80S। ठीक, क्या है, 70S, इसके दो पार्ट होते हैं, पहला जो हमारा है वो 70S टाइप है और दूसरा जो हमारा है वो 80S टाइप है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के राइबोसोम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, जो 70S राइबोसोम्स होते हैं वो आकार में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक, 70S जो राइबोसोम्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इनकी छोटी इकाई 30 तथा बड़ी इकाई 50 की होती है। ठीक है, छोटी इकाई जो होती है वो 30S की होती है और बड़ी इकाई जो होती है वो 50S की होती है। ठीक, इसलिए इसे 70S राइबोसोम्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, ये जीवाणु, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब सेल्स ऑर्गन में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे 80S राइबोसोम्स होते हैं, 80S राइबोसोम्स का जो औसादन गुणांक होता है वो 80S होता है, इसकी छोटी इकाई 40
ठीक। इसकी छोटी इकाई जो होती है वो 40 एस की होती है और बड़ी इकाई जो होती है वो 60 एस की होती है, ठीक। इसलिए इसे क्या हम कहते हैं, एटीएस राइबोसोम्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक। जो एटीएस है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है और ये जो होती है ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हमने बताया इन सब चीज़ों में ये प्रेजेंट होती है। और क्या है ये एस जो है, एस जो हम लिखते हैं तो एस का मतलब क्या होता है, अवसाधन गुणांक, अवसाधन गुणांक कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा एस पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, अवसाधन गुणांक के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और ये हमारा अगर हम इसके फंक्शन की, राइबोसोम के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है इसका, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ताकि जितने भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक सेल को या सेल के अंदर पाए जाने वाले जो भी ऑर्गन होते हैं उनको आसानी से प्रोटीन उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है, जो कि आरएनए और प्लस प्रोटीन का मिश्रण होता है जो कि राइबोसोम्स में पाया जाता है, ठीक। तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है राइबोसोम्स का वो प्रोटीन का संश्लेषण करना ही होता है, ठीक, जो कि क्या होते हैं पूरे कोशिका द्रव में बिखरे हुए पाए जाते हैं और अंतःप्रद्रव्यीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके हुए पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ये लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स के बारे में हमने आपको आज के टॉपिक में डिस्कस कराया है, ठीक। हमने इसके पहले आपको कई सारी चीज़ें और भी बता दी है, तो सब प्रॉपर तरीके से आप लोग अगर पढ़ेंगे वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो शायद कोई भी चीज़ आपको समझ में ही नहीं आएगी, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए, ठीक, उसके बाद आप लोग वर्क करिए, फेयर कॉपी में ही वर्क करिए, ना कि रफ में आप लोग करिए, ठीक है। तो ये हमने आपको आज का टॉपिक जो था लाइसोसोम, जिसे हम आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, ठीक, और राइबोसोम जिसका काम क्या होता है प्रोटीन संश्लेषण करना होता है, ठीक। तो ये आज का टॉपिक था, पहले के जैसे हम आपको से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ठीक है, हु इज कॉल्ड सुसाइड बैग। दूसरा क्वेश्चन है राइबोसोम्स किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, व्हाट इज राइबोसोम्स, एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, ठीक है, हु फंक्शनिंग प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है, लास्ट क्वेश्चन हम और बीच से कहीं से देते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन ये हम आपको दे रहे हैं, आप लोग को वर्कशीट के रूप में इसको भी करना होगा, ठीक है, और जो वर्क आपको दिया जाता है उसको अच्छे से आसान करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करिए, ठीक, और चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके, हैव अ गुड डे।